हेलो एवरीवन। तो आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाचोस, जो कि हमारे मार्केट में मिलते हैं, पैकेट में आते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं बच्चों को। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो बेसन को अच्छे से मैंने छन्नी में छान लिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद हम ले लेंगे इसमें खड़ा साबुत जीरा, और मैं थोड़ा इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी, और आधा चम्मच के करीब हम जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे। और ये ले लिया मैंने चिली फ्लेक्स एक चम्मच, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चार चम्मच के करीब इसी चम्मच से घी ऐड करेंगे। तो घी को अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो लगा लेंगे एकदम। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ पानी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होता है हमारा जब बेसन है उसमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है और वो एकदम गीला हो जाएगा, तो हमारे जो नाचोस जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब डो को क्या करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इनकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। तो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं अब छोटी छोटी लोइयाँ इनकी बना करके तैयार कर लूँगी, और इनको गोल गोल राउंड राउंड शेप में पूरी की तरह बेलेंगे और फिर फोर डिवाइड में कट करेंगे। तो मैंने सूखा बेसन ले लिया है, और सूखा बेसन लगाते हुए हम इनको हल्के हाथों से एकदम बेल रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है, और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है ये रेसिपी। और होली आ रही है, आप होली पर भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है ये रेसिपी, स्पेशल बच्चों के लिए है। तो इसी तरीके से मैंने सारे नाचोस जो है कट करके रख लिए हैं। अब तेल हो गया है एकदम अच्छा गरम, और उसमें थोड़े थोड़े नाचोस डाल के अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे, और इनको थोड़ी देर कट करने के बाद थोड़ी देर रख देते हैं ना, तो उसके बाद ये क्या है फूलते नहीं है, वो बहुत ही क्रंची बन करके तैयार होते हैं ये एकदम क्रिस्पी। इसी तरीके से हम इनको हल्का सा कलर चेंज होने तक उलट पुलट के सेक लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी से करके तैयार हो जाते हैं ये। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो इसी तरीके से मैं सारे सेक करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे सेक लिए हैं, और इनको कंटेनर में भरने से पहले इनको अच्छे से ठंडा हो जाने दे, 10-15 मिनट ऐसे ही खुला रखने दे। देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने तोड़ा है, तो कितना एकदम क्रिस्पी बनकर के तैयार है। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, और रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए जी।